हेलो मुंबई, दिस इज भिटी स्टेशन इन मुंबई। दिस इज द फेमस लैंडमार्क व्हिच बिकम ए सिंबल ऑफ द मुंबई सिटी। भारत में सबसे पहले 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाना तक ट्रेन यहीं से चलाना शुरू किया गया था। ये मुंबई के लिए ऐसा एक लैंडमार्क है जो कि हर विजिटर्स को यहाँ आना पड़ता है, हर विजिटर्स को यहाँ आना जरूरी हो जाता है, चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडियन हो, हर कोई इस स्टेशन को जरूर देखने आते हैं जो लोग मुंबई में आते हैं। ये स्टेशन मुंबई के सबसे बिजी रेलवे स्टेशन है और ये स्टेशन के आसपास को मुंबई के सबसे अच्छे जगह माना जाता है, क्योंकि ये स्टेशन के आसपास में ही मुंबई पुलिस का हेडक्वार्टर है, पोस्ट ऑफिस का हेडक्वार्टर है, LIC का हेडक्वार्टर है, इसके बाद मंत्रालय है, यहीं से होटल ताज में जाया जाता है, यहीं से गेट ऑफ इंडिया जाया जाता है, इसके बाद ही कोलाबा एरिया पड़ता है। बिल्कुल इस स्टेशन के बगल में मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस है और बिल्कुल यही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्यालय के सामने से अगर हम जाए तो हमको थोड़ा सा आगे चर्चगेट स्टेशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, हम इस भीटी CSTM स्टेशन को और इसके आसपास के जगह को देखे बगैर कैसे रह सकते। इस स्टेशन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के मुख्यालय के रूप में बनाया गया था। इस रेलवे स्टेशन का निर्माण बॉम्बे के बरी बंदर क्षेत्र में बरी बंदर रेलवे स्टेशन को बदलने के लिए किया गया था, जो एक प्रमुख बंदरगाह और गोदाम क्षेत्र है जो अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। इस भीटी विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन को ब्रिटिश वास्तुकला इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने एक्सेल हैक द्वारा प्रारंभिक डिजाइन से एक शानदार इतावली गथिक शैली में डिजाइन किया था। इसका निर्माण सन 1878 को पुराने बोरी बंदर रेलवे स्टेशन के दक्षिण में शुरू हुआ था और 1887 में पूरा हुआ, जिस साल रानी विक्टोरिया के शासन के 50 साल पूरे हुए थे। क्योंकि ये रानी विक्टोरिया के समय काल में ये टर्मिनस को बनाया गया, इसके लिए रानी विक्टोरिया के नाम से इस स्टेशन को नाम दिया गया था, VT मीन्स विक्टोरिया टर्मिनस। इस रेलवे के डिजाइन के तुलना लंदन में जॉर्ज गोल्बर्ट स्कॉट के 1873 के सेंट पेनक्रास रेलवे स्टेशन से की गई है, जो एक शानदार इतवली गैथिक शैली में भी है। लेकिन ये बर्लिन के संसद भवन के लिए स्कॉट की दूसरी पुरस्कार विजेता प्रोविस्ट के बहुत करीब है, जिसे 1875 में लंदन में प्रदर्शित किया गया था, जिसमें कोई टावर और बुर्ज और एक बड़ा केंद्रीय शानदार गुंबद था। स्टेशन के शैली मुंबई में 1870 के दशक में अन्य सार्वजनिक इमारतों के समान है, जैसा एल्फिस्टन कॉलेज, लेकिन विशेष रूप से मुंबई विश्वविद्यालय के इमारतें, जिन्हें जी स्टॉक द्वारा भी डिजाइन किया गया था। इस स्टेशन को पूरी होने में 10 साल लगे। मार्च 1996 में इस स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर विक्टोरिया टर्मिनस से बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कर दिया गया है, जो 17वीं शताब्दी के वीर योद्धा राजा छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के स्थापना के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई की थी। 2017 में इस स्टेशन का नाम फिर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस CSTM के कोड के साथ रखा गया, जहां महाराज शीर्षक का शाब्दिक अर्थ है महान राजा सम्राट। पूर्व के प्रारंभिक अक्षर VT और वर्तमान CST भी आमतौर पर उपयोग किया जाते हैं। इस टर्मिनस भारत के मध्य रेलवे का मुख्यालय है। ये भारत के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन में से एक है। ये भारत में लंबी दूरी और उपनगरीय दोनों ट्रेन के लिए एक टर्मिनल के रूप में कार्य करता है, जिसमें कुल 18 प्लेटफॉर्म है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में इस VT रेलवे स्टेशन के आसपास का कितना बेहतरीन पर्यावरण है। और ये देखिए, ये VT स्टेशन के सामने का बस डिपो है, बिल्कुल स्टेशन के सामने में ही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ के कितना अच्छा ग्रीननेस और इसके आसपास का देखिए दोस्तों, ये अभी दोपहर के टाइम है
और यहाँ पे ये ब्लॉक बनाया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम VT स्टेशन में एंट्री करते हैं और ये VT स्टेशन से थोड़ा बाहर निकलते ही ये सब बिल्डिंग दिखता है। ये देखिए दोस्तों, कितना शांत, कितना खूबसूरत और कितना ग्रीननेस है यहाँ के पर्यावरण देख सकते हैं दोस्तों। इसके आगे से ही हमें ताज होटल और गेट ऑफ इंडिया में जाया जाता है। यहाँ आमतौर पर ट्रैवलिंग के लिए टैक्सी मिलता है, बसें मिलते हैं और बहुत कुछ है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।